नमस्कार दोस्तों, एमसीजी एकेडमी ग्वालियर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, आरपीएफ के टेस्ट चल रहे हैं और लगातार मैं आप लोगों के लिए एक्सपीरियंस की वीडियो लेकर के आ रहा हूँ। तो ये एक्सपीरियंस वीडियो का 27वां पार्ट है। इससे पहले मैं 26 वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड कर चुका हूँ, तो आप लोगों को चैनल पर विजिट कर लेना है। आप किसी भी ट्रेड से हों, आप भले ही किसी भी ट्रेड से हों, मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, लेकिन आप लोगों को एक्सपीरियंस वीडियो हर एक प्रत्येक एक्सपीरियंस वीडियो देखना है, क्योंकि आपको कौन सी एक्सपीरियंस वीडियो से क्या मिलने वाला है ये आप जज नहीं कर सकते। इसीलिए आप लोगों को प्रत्येक एक्सपीरियंस वीडियो देखना है। और मैं बिल्कुल आपसे 100% कह सकता हूँ, यदि आप हमारी एक्सपीरियंस वीडियो देख करके जाओगे तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि जो जानकारी हम आपको देते हैं शायद है आप लोगों को YouTube पर कोई भी चैनल उपलब्ध करवाता हो। इसीलिए मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूं। आप लोगों ने देखा होगा लगातार कंटिन्यू, आप लोग जैसे ही एग्जाम सेंटर से बच्चे निकलते हैं, आप लोगों के लिए जो है वीडियो उपलब्ध करवाने में मैं जुट जाता हूं। तो आप लोगों को भी यदि अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हो तो मुझे जो है कॉल कर सकते हो। और साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा, आरपीएफ की जो कोई भी जानकारी है आप लोगों को नीचे जो मेरा चैनल दिया गया है आरपीएफ ट्रेड टेस्ट नाम से, उसी चैनल पर उपलब्ध होगी आगे से। ओके, तो आप लोगों को उस चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कर लेना है। इनका एक्सपीरियंस पूरा अंत तक ध्यान से सुनिएगा। हाँ नमस्कार सर, मैं एमसीजी एकेडमी ग्वालियर से बोल रहा हूँ। सर जी बताइए। सर आपका जो है ट्रेड टेस्ट किस दिनांक में हुआ था? सर मेरा 17 तारीख को हुआ, 17 अगस्त। सर आप जो है अपना एक्सपीरियंस अपने भाइयों के साथ शेयर करना चाहोगे? हाँ जी बिल्कुल शेयर करना चाहूंगा, ताकि उनको अच्छा एक मोटिव मिले आगे के लिए ना। बिल्कुल सर, तो थोड़ा सा बताइएगा सर किस प्रकार से, किस ट्रेड में था आपका, किस दिनांक में था सर ट्रेड टेस्ट? 17 अगस्त को था मेरा, गार्डनर का था। हाँ सर, तो बताइएगा सर किस दिल्ली में मेरा सेंटर गया था, दया बस्ती में। हाँ सर, तो आप सर थोड़ा रेलवे स्टेशन के पास में। हाँ सर, थोड़ा लोकेशन वगैरह दीजिए, कैसे क्या जाना है वहाँ पर। कुछ बच्चे क्या है पहली बार जाएंगे दिल्ली, तो उसमें भी उनको एजिटेशन होता है, तो ये सब कुछ भी थोड़ा बहुत आप सर हेल्प कर दीजिए सर बच्चों का। देखिए अगर 3-4 लोकेशन को मैं बता देता हूँ, क्योंकि दिल्ली की थोड़ी जानकारी है मुझे अच्छी। हाँ, अगर कोई सराय रोहिल्ला रेलवे स्टेशन से जाता है तो वो पैदल पैदल भी वॉकिंग डिस्टेंस है वहां से, और मुश्किल से 5 से 7 मिनट लगेंगे वहां पहुंचने में, तो वो वॉकिंग डिस्टेंस भी ले सकता है। और वहां से गूगल मैप पे जाके वो एड्रेस सर्च करके डायरेक्टली आ भी सकता है सराय रोहिल्ला रेलवे स्टेशन से। अगर कोई नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से आता है तो वो मेट्रो कैरी कर सकता है, अगर वो मेट्रो में ज्यादा कंफर्टेबल है तो मेट्रो कैरी करके नियर बाय जो होता है वो शास्त्री नगर का मेट्रो स्टेशन है, वहां उसको आना होगा। देन वहां से भी वॉकिंग डिस्टेंस है वैसे तो, या फिर ई रिक्शा ले सकता है पर्सन, ई रिक्शे भी चलते हैं। ठीक है, अगर निजामुद्दीन से कोई आता है तो निजामुद्दीन से भी या तो मेट्रो लेना चाह रहा बंदा मेट्रो ले सकता है, नहीं तो बस ले सकता है पंजाबी बाग के लिए। पंजाबी बाग के लिए डायरेक्ट बस मिलती है सर वहां से? डायरेक्ट बस मिल जाती है वहां से। हाँ जी ठीक है, तो पंजाबी बाग के लिए आ सकता है। पंजाबी बाग से आपको कोई भी ई रिक्शा ले लो या रिक्शा ले लो, वहां से मुश्किल से 2 से 3 मिनट लगेंगी सेंटर पहुंचने में। तो इतना बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान है सेंटर ढूंढना, बहुत आसान है। ठीक है, अभी बात करते हैं हम कि वहाँ पे एंट्री वगैरह कैसे हुई सारी चीजों की। क्योंकि दिल्ली में देखिए 17 तारीख को क्या था, बारिश बहुत ज्यादा थी, तो वहां पे क्या था मैं थोड़ा लेट पहुंचा था, मैं 6 बजे पहुंचा था सेंटर में। तो करीबन ऐसा टाइम हो रहा था 6:45 और 7 बजे का टाइम था जिस टाइम पे मेरी एंट्री हुई थी। ठीक है, एंट्री होने के बाद उन्होंने क्या किया कि उन्होंने स्टार्टिंग में हमें बिठा लिया था वहां पे, और वो ना 20-20 के बैचेस बना रहे थे सबके। ठीक है, तो 20 की काउंटिंग जब उन्होंने पूरी कर ली कि हाँ 20 लोग हो चुके हैं, तो वो हमें अंदर भेज रहे थे ग्राउंड में। अंदर एक जगह थी जिनके, क्योंकि बारिश थी तो उन्होंने एक पिन्नी डाल के उन्होंने एक जगह बनाई हुई थी, तो उसके नीचे हमें बिठा रहे थे वो लोग। तो 20-20 के बैचेस बनाए थे उन्होंने। ठीक है, तो हमारा 8वां नंबर था उसमें, मतलब 20 की एक लाइन, तो हमारा 8वीं लाइन थी हमारी, और उसमें 20 लोग थे। ठीक है सर, देन उसके बाद 3-4 लाइन और बुलाई, मतलब हमारे उस फील्ड में करीबन उस टाइम पे 11-12 लाइन, 10-11 लाइन बैठी हुई थी। उसके बाद जो बाकी बच्चे जिनकी एंट्री हुई थी, उसके बाद उन्होंने उनको बुलाया, उनको वही बैठा के रखा स्टार्टिंग में, उनको अंदर फील्ड में नहीं भेजा उनको, क्योंकि जगह स्पेस ज्यादा नहीं था, बारिश का टाइम था। तो उसके बाद सबकी काउंटिंग वगैरह हो गई, वो एडमिट कार्ड चेक कर रहे थे, क्योंकि कुछ लोग क्या कर रहे थे, कुछ लोग 17 तारीख देख के ना, 17 सितंबर का कुछ लोगों का वो था ट्रेड टेस्ट था, वो 17 अगस्त समझ के, वो कोई महाराष्ट्र से कोई कहां से, वो 17 अगस्त समझ के आ भी रहे थे, तो उनको वापस भेज रहे थे। हाँ ऐसा हुआ था, बहुत बच्चे आए थे, करीबन कुछ नहीं तो मैं कह रहा हूँ 20 से 30 बच्चा ऐसा ही था जो 17 सितंबर का पेपर था उनका, 17 अगस्त समझ के वो और सेंटर आ गए थे। सर एक बात और बताइए, किसी का यदि मिस हो जाता है सर आगे की डेट में जा सकता है सर, किसी का पूछ नहीं जा सकता, वो अलाउ नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी। बिल्कुल अलाउ नहीं कर रहे हैं सर? नहीं बिल्कुल अलाउ कर रहे हैं। ओके सर, तो अगर किसी का छूट जाता है तो वो छूट ही गया, वो एब्सेंट में काउंट होगा, उसको दोबारा नहीं वो पार्टिसिपेट करेंगे। यस सर,
देन उसके बाद ये चीजें चेक हुई हमारी एडमिट कार्ड पे, सब उन्होंने डेट देखी हमारी कि 17 अगस्त है कि नहीं है, 17 सितंबर तो नहीं है, फिर हमारे 20 के बैचेस बन गए। अब बारिश का टाइम था तो उन्होंने कोई भी चीज पहले से नहीं कर रखी थी, एकदम तैयारी नहीं कर रखी थी, टाइम पे उन्होंने तैयारी करी थी, तो हमें बहुत ज्यादा लेट हो गया था। उन्होंने करीबन 9 बजे तक हमें बैठा के रखा था वो। नौ बजे के टाइम पे हमारे बैच का नंबर आया, 8वें बैच का, ठीक है। उसके बाद हमें ले जाया गया अंदर, एक रूम था, उस रूम में लेके जाया गया, वहां पे बायोमेट्री होनी थी हमारी। हाँ, बायोमेट्रिक में 3 चीजें वो करवा रहे थे। सबसे पहले वो कैमरे के सामने खड़े होके एक फोटो क्लिक करवा रहे थे। फोटो क्लिक होने के बाद आपका लेफ्ट हैंड का थंब लगवा रहे थे वहां पे, थंब इम्प्रेशन हो रहा था। यस सर। आपके उल्टे हाथ का लगवा रहे थे, और उसके बाद जो एक होता है ना जो ये ब्लू कलर का स्टैम्प बांधना होता है, तो वो दोनों हाथों से लेके हमें दोनों हाथों से पेपर पे लगाना था जिसमें हमारा नाम लिखा हुआ था। यस सर। तो ये 3 प्रोसीजर थे जो बायोमेट्रिक में फॉलो करने थे। उसके बाद हमें बाहर खड़ा कर दिया गया हमारे 20 के बैचों को। हाँ सर। ठीक है। उसके बाद हमें ले जाके दोबारा बैठाया गया, क्योंकि बहुत टाइम लग रहा था बच्चों को ट्रेड टेस्ट में, क्योंकि जब 20 लाइन थे ना, 20 लाइन में खड़े हुए उनको क्या 5-5 को अंदर बुलाया जा रहा था, मतलब 20-20 बच्चों को 5-5 करके बुलाया जाए, पहले 20 करेक्ट 20 लोगों को खड़ा कर लिया एक लाइन में। हाँ। उनसे कहा पहले 5 आ पाओगे, फिर हाँ। दूसरे नंबर पे 5 आ पाओगे, तीसरे नंबर पे 5 आ पाओगे, चौथे नंबर पे 5 आ पाओगे। तो इस तरह से उनको बुलाया जा रहा था। तो फिर हमारे 8वें ग्रुप का नंबर आया, हमें भी सेम इसी प्रोसीजर में बुलाया गया। सबसे देखो, किसी भी एग्जाम में जब बहुत ज्यादा वैकेंसी या ये कह लो बहुत ज्यादा लोग पास हो जाते हैं और वैकेंसी कम होती है, तो हमेशा कॉम्पिटिशन ज्यादा हो जाता है, तो चीजें डिफिकल्ट पूछी जाती है। ठीक है सर। तो वहां पे डिफिकल्ट क्या किया गया मैं बता देता हूँ। वहां पे आपसे कुछ भी नहीं करवा के देखा जा रहा, कुछ भी नहीं। लोग सोच रहे हो, बच्चे सोच रहे हो कि ग्राफ्टिंग करवा के देखी जाएगी, कुछ पौधे लगवा के देखे जाएंगे, कुछ नहीं करवाया जा रहा। सबसे पेपर को डिफिकल्ट करने के लिए गार्डनर में उन्होंने बीज को रख दिया है। ठीक है। कम से कम 12 से 14 बीज थे जो रखे हुए थे कटोरी में, अलग अलग कटोरी में रखे हुए थे, 12 से 14 बीज थे। उन बीजों के बारे में पूछा गया कि इस बीज को पहचानिए कौन सा बीज है ये। तो मींस कहने का मतलब ये है सर, यदि बीजों को पहचान, अगर बीजों को मैं कह रहा हूँ कि अगर उन्होंने 4 बीज भी पूछे ना, आपने उनमें से 2 से 3 बता दिए, तो आप क्वालिफाइड हो जाओगे। ऐसा जी सर, सिर्फ बीजों का नाम बता दो, क्वालिफाइड है, और कुछ नहीं पूछ रहे हो। वैसे तो गार्डनर से रिलेटेड उन्होंने बहुत सारी चीज रखी हुई थी, वो सिर्फ उसके नाम पूछ रहे थे और कुछ नहीं पूछ रहे थे, ना ही कुछ करवा कर देख रहे थे। ठीक है। किसी किसी से ग्राफ्टिंग करवाई थी, किसी किसी से, बहुत रेयर केसेस में मैं कर रहा हूँ, अगर 50 बच्चा दिखाया तो 2 बच्चों से करवा ली ग्राफ्टिंग, कि भाई ये काट के दिखाओ, एक पेड़ा लगा सा इसमें से कैसे करोगे। सर ये बात सर, वो बीज किस प्रकार के थे, कौन कौन से थे, कुछ बता सकते हो थोड़ा बहुत? समझा नहीं सर, क्या बोल रहे हैं? बीज कौन कौन से थे, किस प्रकार के थे, थोड़ा सा? देखिए, जो बीज हमसे पूछे गए थे, पहला बीज था सलजम का बीज था, एक तो सलजम के जो बीज होते हैं। दूसरा हमसे सरसों पूछी गई थी, जो सरसों होती है। ठीक है। तीसरे जो बीज थे वो फूल गोभी जो होती है, फूल गोभी के बीज थे। और चौथा हमसे ना खाद पूछी गई थी, 3 तरह की खाद उनके पास रखी हुई थी। कौन कौन सी सर? एक तो ये जो नॉर्मली गीली खाद जो होती है, जो डलती है, वो थी। दूसरी खाद हमसे पूछ रही थी, तीसरी जो हमसे खाद पूछी थी, तो वो खाद ना क्या होती है, ड्राई होती है बहुत। हाँ। सूखी खाद होती है और वो व्हाइट कलर की होती है। हाँ सर। उसका नाम उन्होंने ही हमें बताया था कि उसका नाम था हड्डी वाली खाद। हड्डी वाली खाद? हड्डी वाली खाद। हाँ। तो ये खाद तो मतलब मैं कह रहा हूँ कि अगर किसी को पास होना है ना उसमें, हाँ। तो ये सारे किसी भी नर्सरी के पास जाकर उनको सीखना पड़ेगा, बीजों के नाम उनको याद करने पड़ेंगे, उनको पहचानने पड़ेंगे। अगर बंदे ने बता दिया तो ही पर्सन पास होगा, अदरवाइज नहीं होगा। यस सर। तो बहुत रेयर केसेस में बच्चे पास हो रहे थे, क्योंकि जब हमारा 8वां आया था ना, तुम हाँ। पता कितने पास हुए थे, सिर्फ उस 8वें, यानी कि 80, मैं कह रहा हूँ 8वां नंबर हमारा था, तो 20-20 का, यानी कि 110 के करीबन हम थे, है ना? है ना। तो 150 से लेके 110 वाला हमारा अकाउंट था, तो मैं कह रहा हूँ इनमें से सिर्फ 10 या 12 बच्चे पास हुए थे, तो आप रेशियो देख सकते हैं कितना जाता है। हाँ बिल्कुल सर, बहुत कम बच्चे ले रहे हैं कहने का मतलब। करेक्ट। तो 8वां यानी कि 8 दुनी 12 भी इसमें 20 थे, तो 8 दुनी 16 यानी कि 160, यानी कि हमारा 151 से लेकर 160 तक के बच्चे हमारे ग्रुप में थे। ठीक हाँ, है। हाँ। इसमें तक सिर्फ 10 से 12 बच्चे पास हुए थे, जो साइड में बैठा रखे थे उन्होंने, क्वालिफाइड बनते थे। जो बच्चे क्लियर हो गए थे, क्लियर होने के बाद उनको साइड में बैठा के फिर उनके नाम बता रहे थे हर ग्रुप में से, भाई कौन क्या पास हुआ है। जो पास हो रहे थे उनको वहां बैठाते थे, और बाकी जो लोग थे उनको बैग उठा के उनको घर भेज देते थे कि आप यहाँ से बैग लेके आप जा सकते हैं। ठीक है। और जो क्वालिफाइड हो रहे थे उनको वहां बैठाने के थोड़ी देर बाद उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा था,
क्योंकि जिस टाइम पे ट्रेड टेस्ट हो रहा था हमारा, तो सबसे पहले हम लोगों का नाम पूछा गया और हमारी कास्ट पूछी गई। हाँ सर, कास्ट इट मीन कि हम एससी से बिलोंग करते हैं या ओबीसी से बिलोंग करते हैं या वॉट एवर इट इज, हाँ सर, ठीक है। तो देन वो पूछने के बाद, उसके बाद उन्होंने हमसे सेकंड क्वेश्चन किया कि आपने कुछ भी गार्डनर से रिलेटेड, माली से रिलेटेड आपने कोई भी कोर्स किया हुआ है, ठीक है, कुछ भी आपने डिप्लोमा लिया हुआ है कुछ भी, या फिर आपको एक्सपीरियंस है इस चीज का, उन्होंने हमसे ये क्वेश्चन पूछा है, हाँ या सर, फिर किसी ने ट्रेड की हुई है इस चीज में। हाँ सर, सेकंड क्वेश्चन ये था उनका। थर्ड उन्होंने पूछा हुआ था हमारी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है, हाँ सर, ठीक है। वो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन को ज्यादा प्रिफरेंस दे रहे थे ऐसा भी है, जी, हाँ सर, अगर क्योंकि अगर किसी ने बीएससी की हुई है एग्रीकल्चर से, तो वो उनका पहला प्लस पॉइंट हो जाएगा, उससे क्वेश्चन किए जाएंगे, हाँ भाई ये बताओ वो बताओ, उनसे दो तीन क्वेश्चन बताते थे वो क्वालिफाइड था, ये चीज वहां हो रही थी हाँ सर, जो मुझे देखने को मिली। सर मतलब और ये कि ये कोई बीएससी एग्रीकल्चर से है तो उसका सिलेक्शन पक्का मान है, हाँ उसका सिलेक्शन मैं कह रहा हूँ, उसने दो तीन चीजें भी बता देना वो क्वालिफाइड बनता है, उसको सर, कोई नहीं रोक सकता। हाँ सर, वैसे तो अगर मैं बात करूँ क्या क्या चीजें रखी हुई थी वहां पे, देखिए वहां पे वीडर होता है, ठीक है, वीडर था वहां पे, और वो सीजर जो होती है जिससे ग्राफ्टिंग करते हैं बड़ी वाली, हाँ सर, एक वो थी, ठीक है, छोटी सीजर जो होती है एक, जिससे जैसे पत्ता अगर कहीं खराब हो जाता है सूख जाता है तो उसको काटने के लिए साइड से जो कटिंग करते हैं हाँ सर, वो थी, और पानी लगाने के लिए जो वाटरिंग कैन होती है एक वो रखी थी वहां पे, हाँ सर, एक पत्ता रखा था वहां पे जिसके जैसे ये छाए के लिए एक पेड़ यूज होता है ना, वैसे तो वो इंडोर वाला पौधा होता है, इंडोर और आउटडोर में, बहुत आउटडोर में तो रेयर केस में होता है, इंडोर में यूज होता है वो, तो वो उसके पत्ते बड़े होते हैं, ठीक है, उनका पत्ता का साइज बड़ा होता है और पौधे की लंबाई ज्यादा नहीं होती, वो छोटी होती है पौधे की लंबाई, हाँ सर, एक वो पौधा वहां पे रखा होता है, उसके पत्ते रखे हुए थे इवन उन्होंने, सिर्फ उसका नाम पूछे थे उसका नाम क्या है, तो ये चीज थी वहां पे। और मतलब आप ये कह सकते हैं वहां पे सिर्फ आपसे नाम पूछे जाने, कराया के कुछ नहीं देखा जा रहा, ना ही वो पौधा लगवा रहे हैं हमसे, हाँ सर, नहीं लगवा रहे, ना ही वो ग्राफ्टिंग बहुत रेयर केसेस में हो रही है, हाँ सर, बस सिर्फ चीजों के नाम पूछ रहे हैं, तो ये चीज है वहां पे। क्योंकि ग्राफ्टिंग देखिए, अगर ग्राफ्टिंग सबसे कराएंगे तो सब पता है भाई, इतने पेड़ तो नहीं है उनके पास काटने के लिए, वो कटवाएंगे सबसे, करेक्ट, इतना टाइम भी नहीं है, जब इतना बच्चा हो तो 400 के मतलब एक पोस्ट के लिए 400 बंदा आ रहा है, तो मायने रखती है ये चीजें। हाँ सर, बिल्कुल सर, अभी मुझे जो लगता है शायद गार्डनर का शायद 23 तारीख या 25 तारीख को कोई दोबारा से पेपर है शायद, है हाँ सर, ना, तो उनके लिए हेल्पफुल हो जाएगा ये वीडियो अगर आप बनाते हैं तो। बिल्कुल सर, आपको ये जो वीडियो है आप भी यदि देखना चाहो तो 2:30 पर आपको जो है इसी चैनल पर एमसीजी एकेडमी जो है उस पर आपको जो है उपलब्ध हो जाएगा सर, फॉर श्योर मैं देख लूंगा वहां से ना। हाँ सर, बाकी उनके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रही थी, जो चीजें बताता वहां से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उन्होंने जो क्वालिफाई क्वालिफिकेशन अपनी बताई थी वहां तक के वो सारे डॉक्यूमेंट्स अगर उनके पास हैं पर्सन के पास, तो वो वहां पे क्या होता है कंप्लीट हो जाती है उसकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वहां पे ना। हाँ सर, लेकिन एक चीज में बताया था, शायद कुछ बच्चों को शायद पता नहीं क्योंकि मैंने वहां पे भी ऑब्जर्व किया था, कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स लेकर आने हैं, ऐसा कुछ बात कर रहे हैं आपस में। देखिए सबको पता है एक पोस्ट हमारे पास है एससी की और एक पोस्ट हमारे पास है ओबीसी की गार्डनर में, हाँ सर, है ना, टोटल दो पोस्ट है हमारे पास। हाँ सर, देखिए हमारा जो पेपर हुआ था सीबीटी वन जो हुआ था हमारा, आप कह सकते हैं, हाँ तो जो सर, पेपर था वो 60 नंबर का था, जो कि क्वालिफाइंग नेचर रखा हुआ था, हाँ सर, ठीक है, जिसमें एससी वालों को 30% मार्क्स लेकर आने थे और ओबीसी और जनरल वालों को 35% मार्क्स मिनिमम लेकर आने थे, हाँ सर, ठीक है। उसके बाद जो क्वालिफाइड हो गए थे, तो ये जो उसके बाद फिजिकल हुआ था हमारा, फिजिकल तो सिर्फ क्वालिफाइंग था, उसको कोई मार्क्स वगैरह नहीं जुड़ रहा था, हाँ सर, ठीक। और थर्ड था हमारा ये जो टीटी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाला है, तो ये जो टीटी है ये 40 नंबर का है और वो 60 नंबर का था एग्जाम, तो ये 60 नंबर और 40 नंबर को मिला के लास्ट में एक मेरिट बनेगी, तो जो बच्चे अगर क्लियर भी हो गए हैं जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो गया, तो जरूरी नहीं कि उनका सिलेक्शन लास्ट में हो, ऐसा भी है करेक्ट, ये चीज है, क्योंकि इसके, 60 नंबर का वो एग्जाम था हमारा, 40 नंबर का डॉक्यूमेंट ये जो हुआ था हमारा टीटी ट्रेड टेस्ट, इन दोनों को मिला के किसकी ज्यादा हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है और किसके ज्यादा मार्क्स आए हैं इन दोनों को मिला के, वो बच्चा क्वालिफाइड होगा उन सभी में से जितने लोग अभी क्वालिफाइड किए गए हैं, क्योंकि आपको पता है सब इतनी वैकेंसी सिर्फ हमारे पास एक है और बच्चा क्वालिफाइंग ज्यादा है, ज्यादा मतलब मैं कह रहा हूँ एक पोस्ट के लिए मैं कह रहा हूँ 20 बच्चे भी अगर वो क्वालिफाई कर देते हैं, आप कुछ सोचो एक को ही लेंगे क्योंकि 20 बच्चे पास हुए हैं, है ना, तो उस एक के लिए क्या है कि सिर्फ एक ही पास होगा जिसके सबसे ज्यादा नंबर होंगे ट्रेड टेस्ट के मिला के और आपका एग्जाम के मिला के, उसको लिया जाएगा बस, तो ये चीज है। तो सर आप अपने भाइयों को कुछ ऐसा मोटिवेट कीजिए जिससे सर उनका ट्रेड टेस्ट अच्छे से निकल जाए सर, कुछ अच्छे ऐसा बताइए सर।
ट्रेड टेस्ट के लिए सबसे मेन इम्पोर्टेंट चीज जो मैंने बताई, सिर्फ चीजों के नाम याद कर लीजिए, बीजों के नाम तो पूछे ही पूछे जाएंगे, कुछ भी बोल दीजिए एक बार को, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं ये जो छोटी छोटी औजारों के नाम होते हैं ये तो याद कर लेते हैं, लेकिन बीजों को नहीं पता होता उनको के बीजों के बारे में। ठीक है, तो बीजों के नाम याद कर लीजिए और वो कब लगते हैं, उनका सीजन क्या होता है, ये चीजें याद कर लीजिए, क्वालिफाइड हो जाएगा पर्सन, क्योंकि वो हमसे पूछते हैं ये चीजें कि हाँ जी क्या जानते हो आप बीजों के बारे में। तो वहां पे हम उनको बोल देंगे ना, हाँ सर बीजों के बारे में जानते हैं हम, नॉलेज है हमें इन चीज की और हमें पता है इनकी सीजन वगैरह क्या है, तो आपसे उसे बीजों के बारे में पूछेंगे। ठीक है, अगर आप बोलोगे तब भी बीजों के बारे में पूछेंगे, नहीं बोलोगे तो भी बीजों के बारे में पूछेंगे, क्योंकि हमारे ग्रुप से सिर्फ बीजों के बारे में पूछा था और कुछ नहीं पूछा था किसी से भी। मतलब लगभग यही है, 80% मानो यदि ये तैयार हो गया तो 80% आपका सिलेक्शन होने के चांस हो गए। 80% नहीं, आप कह सकते 90%, 10% तो बहुत रेयर केसेस में ग्राफ्टिंग करवाए, ग्राफ्टिंग भी बड़ी चीज नहीं है, हर कोई कर लेता ग्राफ्टिंग। हाँ ये भी सही है ना, ग्राफ्टिंग कोई बड़ी बात नहीं, एक वीडियो भी देख लो ना किसी भी नेट पे जाके ग्राफ्टिंग करते कैसे, बड़े प्यार से कोई भी सीख जाएगा। तो ग्राफ्टिंग करना बड़ी बात नहीं, क्योंकि उसको सिर्फ सीजर को पकड़ना होता है दोनों हाथों से और उसको कट करना होता है, तो ग्राफ्टिंग बड़ी बात नहीं है, मेन है बीजों के नाम याद करना और वो किस सीजन में लगाए जाते हैं। तो ये किसी भी, मैं कहूंगा सभी के लिए कि सबसे पहले किसी भी नजदीकी नर्सरी पे जाइए, नर्सरी बहुत आसान होता है ढूंढना, या आप गूगल पे जाके डायरेक्टली लिखेंगे नियर बाय नर्सरी तो आपको नर्सरी मिल जाएगी कोई भी प्लांट्स की, वहां चले जाइए, वहां के जो भी ओनर है वहां के या जो भी काम करते हैं वहां पे, आप उनसे मिलिए, बात करिए, उनको बताइए आपका ये एग्जाम क्लियर है, हमें जानकारी चाहिए थोड़ी सी बीजों के बारे में। हर कोई हेल्प करता है जब हम ऐसी चीजों को करते हैं, तो हर कोई हेल्प करता है हमारी, बिल्कुल हाँ, हम आगे बढ़ते हैं। तो आप वहां जाइए, उनसे मिलिए और उनसे बीजों के बारे में पूछिए, और बीजों ज्यादातर ये जो सब्जी वाले होते हैं और जो फूल वाले होते हैं ज्यादातर इन पे ज्यादा फोकस करिएगा, क्योंकि ये बीज वहां पे ज्यादा आते हैं। अच्छा। हाँ जी, ये गोभी का था, गोभी का बहुत बारीक सा होता है जो सरसों के जैसा लगता है देखने में, एक वो था वहां पे, एक सलजम का था, सलजम उस गोभी के से थोड़ा बड़ा होता है और रेड कलर का होता है, एक होता वहां पे, खाद होती है तीन चार तरह की, खादों के बारे में कर लीजिए, खाद होती है एक्चुअल में तीन चार तरह की, इससे ज्यादा नहीं होती है, तो तीन चार तरह की खाद अगर याद कर लेते तो कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से पहचान सकते हैं चीज को देख के ना। और किसी को ज्यादा टाइम नहीं दे रहे थे, जैसे हाथ में एक को कटोरी दी, अगर आप सोच रहे हैं तो, और आप सोच रहे हैं कि बताएंगे आप थोड़ी बहुत देर में, तो इतना टाइम नहीं दे रहे हो, मुश्किल से 3 से 4 सेकंड देते हैं, 3 से 4 सेकंड में अगर आपने बोल दिया तो ठीक है, वरना आपको कहेंगे आगे बढ़ाइए चीज को। हाँ जी, ये चीज होती है कि 2 से 3 सेकंड रखते हैं और उसका आगे बढ़ा देते हैं कि आगे बढ़ाइए कटोरी, उसके बाद हम बताने भी लगते हैं बाद में तो वो सुनते नहीं है, पहले अगर बताना तो बताओ, नहीं बताना तो कैंसिल, नेक्स्ट पे आ जाएगा। तो ये चीज थी वहां पे, तो मतलब यही है कि आप थोड़ा सा फोकस करके सिर्फ बीजों को, जो इनको सोइंग सीजन जो होते हैं उनके, वो याद कर लीजिए, अगर वो हो जाते हैं तो आप कह सकते हैं 80-90% सिलेक्शन हो गया बच्चे का, 10% वो बड़े प्यार से ग्राफ्टिंग ग्राफ्टिंग करवा लिया, या चीजों के नाम पूछ लीजिए और जो होते हैं चीज के, वीडर क्या होता है, किस काम आता है, वाटरिंग कैन क्या होती है, इसका नाम क्या, बस नाम पूछ रहे हैं और कुछ नहीं पूछ रहे हो। ये भी आपका कहना बहुत सही है, क्योंकि वही है ना कि हम, मुझे अगर सारी चीजें पता होती शायद मैं क्लियर कर जाता, क्योंकि वही ना प्रैक्टिकली नॉलेज सब तक नहीं मिलती ना, तब तक बच्चा नहीं क्लियर कर सकता। हाँ मतलब यदि आपका ये एक्सपीरियंस पहले किसी और का होता तो आपका हो जाता। करेक्ट करेक्ट, क्योंकि शायद आपको पता होगा मैंने आपकी वीडियो में बहुत सारे कमेंट भी करे थे इवन कि मुझे गार्डनर का कोई वीडियो बताइए, किसी ने एक्सपीरियंस हो किसी का बताइए, क्योंकि गार्डनर का इससे। हाँ सर कंटिन्यू हो जाएगी ना सर। हाँ तो बस मैं यही कहना चाह रहा था कि सिंपल सी बात है कि अगर मुझे शायद पहले एक्सपीरियंस मिल जाता इस चीज का तो शायद मैं भी क्लियर कर जाता, मुझे भी एक्सपीरियंस नहीं था इस चीज का, तो इसलिए मतलब ठीक है, मतलब जो चीज होती है अच्छी के लिए होती है, कभी भी इन चीजों को लेकर नेगेटिव नहीं होते, अभी बहुत चीजें आएंगी, अभी एज है अच्छी खासी तो अभी बहुत आगे बढ़ाव आएंगे। हाँ ये भी सही है सर, नहीं हुआ तो इससे हताश नहीं होना है, बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल सही है सर। आपने जो अपना अनुभव अपने भाइयों के साथ जो शेयर किया, जी 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 बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच।